अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर हम लोग थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 3.6 का ये जो हमारे पास पोर्शन है फाइंडिंग डेरिवेटिव वैल्यूज, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया और यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 3.6 को जो है वो कंप्लीट करने जा रहा हूँ, खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। आज हम लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का। आज के लेक्चर के अंदर मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 77 की और क्वेश्चन नंबर 78 की। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इजी है, सिंपल है। दोनों के अंदर हमने चेन रूल इस्तेमाल करना है। चेन रूल कैसे इस्तेमाल करते हैं अगर आप लोग देखना चाहते हैं, चेन रूल बेसिकली होता है, इसके अलावा डिफरेंट रूल्स मैंने अपलोड भी किए हुए हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पावर रूल क्या होता है, कोशेंट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, सारे के सारे रूल्स का लिंक नीचे मैंने यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे आई बटन पे भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं अभी तक, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजम किया करें, बेल के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो लेकर आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, इसमें कहता है जी फाइंड डीएस ओवर डीटी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 3π/2 इफ एस इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां पे उसने दिया हुआ है और आपको उसने दिया हुआ है जी डी थीटा ओवर डी टी विच इज इक्वल टू 5। अब देखिए, मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बना के बताता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि बेसिकली हमने इस क्वेश्चन के अंदर करना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही जो है ना वो इजी सा क्वेश्चन है। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है, सिंपल सा छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं होगा। तो देखिए, कहता है जी फाइंड डी एस बाई डी टी। हाँ, हमने फाइंड तो ये करना है जी डी एस बाई डी टी, यानी कि ये जो हमारे पास एस वाला फंक्शन है, यहाँ पे उसने आपको एस वाला फंक्शन दिया हुआ, कहता है जी एस विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये जो एस वाला फंक्शन है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है टी की रिस्पेक्ट से। लेकिन देखिए, इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है, इसके अंदर जो एंगल इसके साथ यूज हो, यहाँ पे तो एक्स टी वेरिएबल यूज ही नहीं हो रहा, यहाँ पे बटे में आ रहा है डी टी। तो यहाँ पे टी यूज अगर हो रहा होता तो हम सिंपली इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हम कहते हैं जी डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन, तो ये बन जाता माइनस साइन टी। लेकिन यहाँ पे तो टी मौजूद नहीं है, यहाँ पे थीटा मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ये जो हमें उसने टी बोला हुआ, हमें टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। यही हमारे पास चेन रूल होता है। अगर चेन रूल आपने अभी तक नहीं देखा, लाजमी जाके देखें, आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग थर्ड वेरिएबल टी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसको यूज करके फिर हम लोग उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा वाली वैल्यूज पुट करेंगे, फिर ये वाली एंड पे वैल्यूज पुट करेंगे। ये सारी की सारी जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एंड पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डी एस बाई डी टी का। तो ये अभी आपके सामने करता हूँ, आपको समझ आ जाती है। देखें जी, हम यहाँ पे कैसे चेन रूल लगाएंगे, डी एस बाई डी टी इसको किसके बराबर रखेंगे। पहले तो आप लोग इस डी एस को वैसे का वैसे लिखें डी एस बाय। अब कौन सा वेरिएबल हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है, क्या चीज़ हमें चाहिए, हमें चाहिए थीटा चाहिए, हमें थीटा हमारे पास नहीं है, हमें थीटा चाहिए। तो यहाँ पे लिखें जी डी एस बाय डी थीटा, और जिसके साथ हमने डिवाइड किया उसी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिख लें डी थीटा ओवर, अब यहाँ पे डी टी है तो ये लिख लें जी डी टी। देखिए, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया, यही चीज आपके पास डी एस ओवर डी टी, डी एस ओवर डी टी यही चीज मौजूद है। डी थीटा को डी थीटा कैंसिल भी कर दें, यही चीज आपके पास बच जाएगी। हाँ, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, थीटा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो थीटा यूज हो रहा है, टी यूज नहीं हो रहा। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे पॉइंट को समझ लिया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं जी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज ये और ये एक चीज हमारे पास ये है। सबसे पहले हम निकालेंगे डी एस बाई डी थीटा, तो डी एस बाई डी थीटा निकालेंगे तो ये क्या बनेगा जी, एस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग थीटा की रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पे लिखें जी आप लोग डी ओवर डी थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का आप लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा जी डी एस ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। इसको आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये आपके पास आ गया जी माइनस साइन थीटा, हमने निकाल लिया डी एस ओवर डी थीटा हमने निकाल लिया। अब डी थीटा ओवर डी टी, उससे पहले देखें हमारे पास उसने थीटा आपको क्या दी, थीटा उसने दिया वो 3π/2। तो थीटा को हमने यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे साइन के साथ थीटा की जगह पे हम, क्योंकि उसने वैल्यू जो दी हुई है ना, तो हम थीटा की जगह पे 3π/2 यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पे पुट करके देखते हैं जी डी एस ओवर डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 3π/2 उसने दिया हुआ है,
ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, माइनस साइन इंटू थ्री पाए बाय टू यहाँ पे आ जाएगा। अब थ्री पाए बाई टू किसके बराबर होता है, थ्री को 180 से मल्टीप्लाई करके दो पे डिवाइड करिए आ जाएगा 270, 270 आएगा। अब साइन की वैल्यू 270 पे क्या होती है, अब ये बात आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता चलेगी। कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं आता होगा तो फिर क्या करेंगे, नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम अवेलेबल हियर, मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक, हाउ टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन सेकंड्स के अंदर, अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ, यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ, यहाँ पे आई बटन भी जाके चेक करें, विजिट करें। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग वो लेक्चर लाजमी देखें, सेकंड्स के अंदर आप लोग सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को इजीली याद रख सकते हैं कि साइन की वैल्यू फलां 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 एंगल पे क्या होती है, कॉस की क्या होती है, टैन की क्या होती है, कॉट की क्या होती है, कोसेकेंड की क्या होती है, कोटेंजेंट की क्या होती है, ये सारी की सारी आपको समझ आ जाएगी लेक्चर, वो लाजमी देखें जाके। तो साइन 270 होता है जी माइनस वन के बराबर, तो ये माइनस वन यहाँ भी मौजूद है, तो ये माइनस इंटू माइनस वन करेंगे तो ये आ जाएगा जी वन, तो ये बनेगा डी एस ओवर डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू थ्री पाई बाई टू, ये किसके बराबर आ जाएगा जी वन के बराबर आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास वन के बराबर आया और ये डी थीटा ओवर डी टी, डी थीटा ओवर डी टी उसने मैं ऑलरेडी दिया, वो फाइव के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे फाइव पुट करते हैं, इसकी वैल्यू वन आई तो यहाँ पे वन पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास डी एस ओवर डी टी विच इज इक्वल टू, देखें जी डी एस ओवर डी थीटा किसके बराबर है जी, किधर गया जी, ये डी एस ओवर डी थीटा हमने वन के बराबर पुट निकाला, यहाँ पे वन आ गया, और यहाँ पे देखें जी डी थीटा ओवर डी टी किसके बराबर, फाइव के बराबर है, यहाँ पे फाइव पुट करें तो दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा डी एस ओवर डी टी विच इज इक्वल टू फाइव। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 77, बहुत सिंपल था, बहुत ईजी था, मैंने फुली एक्सप्लेन किया ईच एंड एवरीथिंग को, बताया था कि आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, और वो भी बिल्कुल वैसे क्या वैसे जैसे हमने 77 किया, तो देख लेते हैं जी यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं कि 78 वाले क्वेश्चन में हमें वो क्या कहता है जी। नेक्स्ट देखेंगे आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे के वैसे कहता है जी डीवाई ओवर डीटी मालूम करना है, एक्स की वैल्यू उसने वन दी हुई है आपको, तो कहता है फंक्शन दिया हो जी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू उसने आपको दी हुई है जी 1/3। तो करके चेक करते हैं जी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि डी वाई ओवर डी टी फाइंड आउट करने के लिए ये डी वाई ओवर डी टी किसके बराबर आएगा। अब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है इस फंक्शन के अंदर वो एक्स यूज हो रहा है, तो हमें यहाँ पे एक्स का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग डी वाई ओवर डी एक्स, और ये बनेगा जी डी एक्स ओवर डी टी बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हमने इंट्रोड्यूस करवाया और ये भी डी एक्स यहाँ पे आ गया और डी टी नीचे यहाँ पे आ चुका। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एक्स की रिस्पेक्ट से, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं ये बनेगा जी 2x+7 बन जाएगा, ये 2x+7 बन जाएगा। तो लेकिन हमने क्या करना है, इसको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। जब हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 को 1 से मतलब 2 2+7 ये आपके पास बन जाएगा 9 बन जाएगा, तो इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। अब देखें जी आपके पास dy over dx की वैल्यू यहाँ पे dy over dx की वैल्यू आपके पास 9 आ चुकी है, और dx over dt की वैल्यू उसने आपको ऑलरेडी दी हुई है 1/3, दोनों को कर दे मल्टीप्लाई आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने सिंपल करके आपको बता दिया ताकि आपको समझ आ जाए, तो dy over dt which is equal to dy over dx 9 के बराबर आया तो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, dx over dt 1/3 के बराबर है तो यहाँ पे आप लोग 1/3 लिख सकते हैं, तो ये बनेगा जी डी वाई ओवर डी टी विच इज इक्वल टू, इनको कैंसिल करेंगे तो 3 3 बार 9 होता है तो इसका आंसर आ जाएगा 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। अगर आपको वीडियो का एक पॉइंट पे अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ अपने क्लास मेट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ को शेयर करना सदके में आता है। अपना भी ख्याल रखा करें, इस चैनल का भी ख्याल रखा करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।